तो अब आप भी देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, देखिए। नमस्कार, इस वक्त मैं केसीआर के हैदराबाद में हूँ और अभी ये समय मेरे लिए सबसे ज्यादा गौरव का समय है। मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के नीचे खड़ी हूँ। ये मेरे लिए वाकई गौरव का क्षण है जब मुझे संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों पर खड़े होने का मौका मिला है। आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है बाबा साहेब अम्बेडकर की, ये 125 फीट ऊंची है और सबसे बड़ी बात कि ये पूरे विश्व में सबसे 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 ऊंची बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है। आज वाकई मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे खड़े होकर के खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर पा रही हूँ और यहाँ से जो मैं नज़ारा देख पा रही हूँ ये बेहद खूबसूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ से चल करके आई हूँ वहाँ नीचे वो देखिए कितनी गहरी झील है। उतनी गहरी झील के बाद जब एक मंजिल और चढ़ने के बाद जब हम नीचे आते हैं फिर उसके बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, फिर लिफ्ट से ऊपर आना पड़ता है और लिफ्ट से ऊपर आने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जब हम आते हैं तब हम आते हैं उस जगह पर जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। आप देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बड़े सलीके से दिखाती हूँ। जहाँ पर ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति मैं आपको दिखा पा रही हूँ, देखिए ये इनका जूता है, बाबा साहेब का जो जूता है वो इतना बड़ा है कि इस पूरे जूते के बराबर मैं हूँ। सोचिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये, गौर से देखिए, इतनी बड़ी, इतनी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, इस जूते के बराबर मैं हूँ। अगर मैं अपनी हाइट देखूँ तो जहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर के जूते का फीता है ये भी मुझसे ऊपर जा रहा है, कितना बड़ा। उसके बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का ये देखिए जूता आपको दिखाई दे रहा है, इसका फीता भी मुझसे ऊपर है। फिर उसके बाद में उनकी पूरी विश्व की सबसे बड़ी विशालकाय मूर्ति यहाँ से कैसी दिख रही है ये मैं आपको बता रही हूँ। सोचिए हम जमीन से कितना ऊपर हैं। दो जीने चढ़े, एक लिफ्ट चढ़े, एक ये सफेद वाली सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब यहाँ आए तो यहाँ से भी बाबा साहेब की ये ऊंची मूर्ति देखिए, कितनी बड़ी मूर्ति है ये। आप बिल्कुल हुसैन सागर झील के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की ये पूरी इतनी विशालकाय मूर्ति देख पा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का वही पोज देखिए, जैसे वो एक हाथ में कानून की किताब संविधान उनके एक हाथ में है, दूसरी ओर वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी सबसे विशालकाय मूर्ति है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप मुझे और बाबा साहेब अम्बेडकर की पूरी मूर्ति को अगर एक कैमरे में भी लेना चाहेंगे तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतनी ऊंची है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आधी बाबा साहेब के जूते तक आ पा रही हूँ, उसके ऊपर एड़ियों तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। सोचिए ये इतनी बड़ी बाबा साहेब की मूर्ति है। और आप एक बार गौर से खुद देखिए कि ये चमकती हुई चमकदार शानदार बाबा साहेब की मूर्ति देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाबा साहेब खुद यहाँ पर खड़े हैं और इस तरीके से खड़े हो करके किसी लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अब ये काम करना बाकी है, समाज में ये सुधार करना बाकी है जी, और ये सुधार मैं करके रहूँगा। बिल्कुल जीवित मूर्ति में देख पा रही हूँ बाबा साहेब की। हालांकि मैं अगर सर उठा करके ऊपर तक देखने की कोशिश कर रही हूँ, सूरज चमचमा रहा है, आंखें झिलमिला रही हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी बाबा साहेब की मूर्ति ऊपर तक देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये इतनी विशालकाय है। वो देखिए एकदम ऊपर से देखिए, मैं आपको हर तरफ से दिखाऊंगी, आगे से देखिए, देखिए कैसे दिख रही है बाबा साहेब की ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। देखिए सामने से कैसे दिख रही है, ये देखिए सामने से कितनी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी है ये, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 125 फीट ऊंची मूर्ति है बाबा साहेब की जहां मैं खड़ी हुई हूँ। और बाबा साहेब अम्बेडकर की ये मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, वो आपने पूरे विश्व में कहीं और नहीं देखी होगी। वाकई ये बहुत अभिभूत करने वाला क्षण है, बहुत गौरवान्वित होने वाला क्षण है, जिसके लिए मैं वाकई
अंदर से वो जो एक उत्सुकता और मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो एक अलग तरह की वाइब आ रही है कि मैं इस वक्त पर विश्व की सबसे बड़ी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे खड़ी हूँ। ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे जितनी खुशी हो रही है आपको भी देख करके उससे ज़्यादा खुशी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ और आप अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो देख ली बाबा साहेब की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति आपको मैं कैमरे के थ्रू दिखा रही हूँ, तो उसको आप देखिए और महसूस कीजिए वाकई क्या वाइब है। हमारे लीडर KCR साहब बहुत ही ज़्यादा दलितों के हमदर्द नेता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते भी है। तो सबसे ज़्यादा किसी आदमी को, दलित को या किसी को भी, महिला को अपना आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। तो KCR साहब को ये लगा कि जब हम हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ खड़े करेंगे और जब भी वो अम्बेडकर स्टैचू 125 फीट का कोई भी देखता है तो उनको अपने आप में एक आत्मसम्मान महसूस होगा, अपने आप पे गर्व होगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा। कोई हमें नीचे दिखाने का कोशिश करेगा लेकिन हमें नीचे अपने आप को समझना नहीं चाहिए, वो ना समझे। इसीलिए अंबेडकर की मूर्ति तेलंगाना में खड़ी है, पूरे हिंदुस्तान के दलितों के साथ, पूरे हिंदुस्तान के पिछड़ों के साथ, पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं के साथ। और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब अंबेडकर की विश्व की जो सबसे बड़ी मूर्ति है उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ का सेक्रेटरिएट भवन यानी सचिवालय भवन दिखाई देगा। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इस सचिवालय भवन का नाम क्या है, सोचिए, सचिवालय भवन का नाम है बाबा साहेब अंबेडकर सचिवालय भवन। तो ये सचिवालय भवन ये भी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का ही है। सोचिए, यहाँ बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्ति और बिल्कुल ठीक सामने देखिए वो सचिवालय जो कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से ही बनी हुई है। तेलंगाना जब अलग राज्य बना उसके कुछ ही समय के बाद ये सेक्रेटरिएट तैयार हो गया। ये सचिवालय वो सचिवालय है जहाँ पर सारे सरकारी अधिकारी, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स का ऑफिस होता है, यहाँ पर सारा सरकारी कामकाज होता है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर ही बैठते हैं आकर के। ये वो सचिवालय मैं आपको दिखा पा रही हूँ और ये वो सचिवालय है जिसका नाम भी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से ही बना हुआ है। तो ये वो जगह है जहाँ पर सारे सरकारी डिपार्टमेंट एक साथ बैठकर अपना काम करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के हाथ में संविधान की किताब और ठीक सामने ये सचिवालय, और ये सचिवालय की पूरी बिल्डिंग आप देखेंगे तो उसके ठीक उस तरफ देखिए जहाँ मेरी उंगली का इशारा है, वो देखिए बिरला मंदिर भी है। आपने बिरला मंदिर कई जगह सुना होगा, बनारस में और तमाम जगहों पर सुना होगा, बिरला मंदिर आपको दिखाई दे जाएंगे, अपने घूमे भी होंगे, लेकिन मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ जहाँ से हैदराबाद की सबसे बड़ी बड़ी और सबसे विशालकाय इमारतें मैं आपको दिखा पा रही हूँ और बता पा रही हूँ कि एक ही जगह से आप सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों पर खड़े होकर के पूरा हैदराबाद कैसे देख सकते हैं आप लोग, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के सामने सचिवालय और उसके पीछे देखिए दिखाई दे रहा है बिरला मंदिर, वो खूबसूरत विशालकाय बेहद शानदार बिरला मंदिर, उसके सामने सचिवालय, और फिर उसके ठीक इस तरफ देखेंगे तो ये है हैदराबाद का दिल जिसे कह सकते हैं, हुसैन सागर झील। देखिए कितनी गहरी झील, बीच में बिल्कुल भारत का तिरंगा दिख रहा है और गौतम बुद्ध की मूर्ति भी नज़र आ रही होगी आपको। ये वो बेहद शानदार अलौकिक जगह है जो आपने इससे पहले कहीं और नहीं देखी होगी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गौर से देखते रहिए इस जगह को और मुझे भरोसा है, मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वही आप लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा तो काम है हर जगह जा करके हर जगह की अनोखी और अद्भुत चीज़ें आप लोगों को दिखाना। और इस वक्त जिस चीज़ से मैं अभिभूत हूँ, भावुक भी हूँ और गौरवान्वित भी महसूस कर पा रही हूँ, और वो जगह है बाबा साहेब अंबेडकर की ये सबसे विशालकाय मूर्ति जहाँ पर मैं खड़ी हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर पा रही हूँ कि हमारे देश के संविधान रचयिता, जिन्होंने देश के लिए संविधान की वो किताब लिखी जिसने देश का मान बढ़ाया, आन बढ़ाया, शान बढ़ाया, उन बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे सबसे विशालकाय मूर्ति के नीचे मैं खड़ी हूँ और उनके चरणों में खड़े होकर के मैं जो महसूस कर पा रही हूँ वो आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन सब कुछ दिखाऊंगी आपको, कुर्सी की पेटी बांधे रखिए क्योंकि जो मैं दिखाऊंगी वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, नमस्कार।